हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सबके सब? होप सब बढ़िया होगा, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ना एक मॉडिफिकेशन की वीडियो रहने वाली है बाइक की। तो आज हम अपनी बाइक पे डलवाने जा रहे हैं व्हील कवर। तो चलो चलते हैं और व्हील कवर देखते हैं कोई सही सा वो डलवाएंगे अपनी बाइक में। तो समझ नहीं आ रहा व्हील कवर क्या है, वो मैं यहाँ पर फोटो दे दूँगा, तुम लोग देख लेना क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये लुक है हमारी बाइक की, देख लो आप बिना व्हील कवर के। भाई तो अभी हम व्हील कवर लेने आए हैं, ये लगी हमारी बाइक है, देखते हैं बाइक में आने के बाद। कोई दोनों लग जाएंगे, दोनों लग जाएंगे। ये तो चार है ना, ये दो ही हैं, दो ही हैं, एक ही पीस होगा। ये कितने का? एक तो पूरा आ रहा है ना, पूरा वो वाला है, इसको इसको भी रखो पर ये सही लग रहा है स्टिकर। पूरा का पूरा टायर किसी का आ रहा है पर यार उसके लिए टायर खोलना पड़ता है, टायर तो दोनों के लिए नहीं, इसके लिए नहीं खोलना पड़ेगा। बताएंगे प्राइसिंग क्या है आपकी? ये वाला भाई, ये वाला और है भाई, ये व्हील कवर डिज़ाइन दूसरी डिज़ाइन है। इसी में मतलब अलग अलग रैप है, ये यही है। एलॉय चाहिए, एक दो दिखा दो फिर अगर अलग अलग है। तो भाई अभी बाइक में व्हील कवर इंस्टॉल होना शुरू होगा और वही वाला इंस्टॉल हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मेरे को सबसे सही वाला यार यही लगा उससे, जो मतलब बाकी जो सारे थे ना सबसे ज़्यादा सही यही लगा। तो भैया को करने देते हैं काम और सीधा आप सबको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये लग और ये दुकान है तेरे गुम्बद, यहाँ से मैं लगवाया। ठीक है तो अब जा रहे हैं बाहर में, तुम्हें फुर्सत में दिखाता हूँ। लुक वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, सच में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और बाकी तुम लोग देखो स्टिकरिंग के साथ है ना, इसलिए मैंने ये वाला चॉइस किया, क्योंकि जो पूरा वाला होता है ना वो भी लगा सकते थे, बट फिर उसमें ये था कि स्टिकरिंग खुद से करवानी पड़नी थी। इसमें भी हो सकता है उतर जाए, बट थोड़े दिनों के लिए तो सही लगी। और बाकी तुम्हें घर जाके बताता हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी हुई है। तो भाई पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे ज़्यादा याद आया कि ओहो मैंने तो दिखाया नहीं कैसे लगा हुआ है। तो पहले तो तुम देख लो ये लगा हुआ है, और ये एक नट, दूसरा नट, तीसरा नट, और वैसे ही सेम साइड गिर गया। हाँ ये देखो यहाँ पे टाइट हुआ हुआ है, और जो इसके दो मिनट रुक जाओ। तो भाई देखो ये बाकी सब तो लग गया था, बट ये था ना ये ऐसे बाहर की तरफ को निकले हुए थे, तो इनको टाई बेल्ट से जुड़ा हुआ है। इनकी स्पेसिफिक टाई बेल्ट आती है ब्लैक वाली, बट फिर भैया ने लगा दी थी तो यही वाली रहने दी है, वरना ब्लैक वाली टाई बेल्ट आनी थी यहाँ पे, ताकि ये बंद रहें, क्लोज रहें। ऐसे ये खुल रहे थे इस साइड से थोड़े थोड़े ना, तो बस इसी के लिए।